गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी मॉर्निंग से। एंड अभी मॉर्निंग में मैं नहा धो गई हूँ जस्ट बिकॉज आज हम अभी जा रहे हैं कहीं मंदिर घूमने के लिए। एंड आप लोग को थोड़ी देर में बताती हूँ हम लोग कौन से मंदिर जा रहे हैं। बाकी यहाँ दो तीन दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा वेदर खराब हो रखा है। हम लोगों ने प्लान किया था कि थोड़ा बहुत पिकनिक वगैरह मना के आएंगे, बट मुश्किल लगता है अभी क्योंकि वेदर खराब होने वाला है और देखते हैं अभी अगर बारिश आई तो मुश्किल जाएंगे। कि हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर हो रहा है एंड आप लोगों को यहाँ का मौसम भी दिखाती हूँ। तो गुड मॉर्निंग आयशी, क्या बना रही हो नाश्ते में? और पूरी के लिए आटा बना लिया है। अब ये है आलू बॉईल, इसमें है चने हमारे। चने बन गए? बन रहे हैं? ओके। और क्या बनाना है? पूरी। और ये हमने थोड़ा बहुत फ्राइड राइस बनाया था मॉर्निंग में और चाय भी बन गई। मम्मी कहाँ होगी? ओके, मम्मी भी आ गई। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लेके आई पॉली हाउस से? ये देखिए, लेके बीटरूट। हम लोगों के यहाँ ना पॉली हाउस में, मम्मी इतने बड़े हो गए बीटरूट? हाँ, छोटे रखे थे। मेरी मम्मी ने बीटरूट लगा रखे हैं सैलेड बनाने के लिए। टमाटर भी है, ऑर्गेनिक टमाटर मम्मी के। और और क्या लाई मम्मी अपने थैले में? क्या लेके आती? बीन्स हो रखे हैं, खाती नहीं तुम। खाने भी किस लिए है? ये टमाटर हो रखे हैं, प्योर ऑर्गेनिक टमाटर लाई मम्मी अपने पॉली हाउस से। अभी हो ही रहे हैं। ठीक है मम्मी लो। ये ठीक हो रखे चुकंदर? बहुत अच्छे हो रखे। देख कितने बड़े बड़े हो गए। ठीक है, तो मम्मी अपने पॉली हाउस से सामान लेके आ गई है। बीटरूट की पूरी बनाई? बीटरूट की पूरी, पर मैंने आटा गूंथ दिया। मम्मी को अच्छा नहीं लगता? ओके। एंड टी पड़ रही है अभी यहाँ पे। एंड गाइज, यहाँ ना वेदर कुछ ऐसा हो रखा है मेरे घर के बाहर, कंप्लीट फॉग फॉग है। अड़ोस पड़ोस में कहीं कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये देखो आप, अब यहाँ ना काफी फॉग फॉग हो चुका है। अड़ोस पड़ोस में कुछ नहीं दिख रहा। अब हमें लग नहीं रहा हम ऐसे में जाएंगे कैसे, घूमने पर जाना तो है ही। एंड ये मेरा घर, और यहाँ पे अभी मेरे चने बन रहे हैं। मैं बना रही हूँ काबली चने। अभी दीदी बना रही है पूरी। बन गई दीदी? मिठू, मिठू यहाँ देखो, मिठू हेलो। सो गाइस, यहाँ पे हमारी पूरी वगैरह सब बन गई है। अब हम लोग टिफिन पैक करेंगे और चलेंगे घूमने। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं और घूमने जाने लगे हैं। घूमने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाकी घर की लाइट्स वगैरह देख लेती हूँ और मम्मी लोग चल। मिठू हो गई रेडी? बाय बाय। ओके। एंड यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई है। मम्मी चलो चलो। हाय, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घूमने के लिए। किस जगह? भैसाबद्री। ओके चलो। ये क्या लाए खाते पे? ये गाय के लिए रोटी। अच्छा, खाना बच गया था। ते हैं हम लोग अपनी पिकनिक की तरफ। पापा हेलो। हेलो मिठू। हेलो, हेलो मिठू। एंड मिठू की मम्मा, दोनों गोलू पोलू लग रहे हैं आज। तो यहाँ पे हम तपोवन से सामान ले रहे हैं अभी। अंकल चुन्नी कैसी है? अच्छा, छोटी वाली दे दो। समझेगा स्वीट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अभी ना सुभाई गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ से ना थोड़ा ऊपर पे भविष्य बद्री अभी मतलब है ही 3-4 किलोमीटर। तो चलते हैं, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा फोटो खींच। फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री में और आज तो मौसम भी काफी अच्छा रह गया है। बहुत टूई पूई। चलो घूमी, चलो मिट्टी। वो तेल तुल अभी निकालते हैं। यहाँ से ऊपर है भविष्य बद्री जाने का रास्ता। अब तो ऊपर तक गाड़ी आने लगी ना पापा।
बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई इधर मीठी। यहाँ पे मिट्टी की नानी मम्मा खींच रही है मिट्टी और मिट्टी की मम्मा की फोटो। मिट्टी कैसा लग रहा है? अच्छा बोलती है। मिट्टी कैसे बोलते? अच्छा लग रहा है। पापा मम्मी क्या बोल रहे देखो बोटी भैया परिवार। हाँ देखना चार माँ बतू वहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, फिर पांच छह माँ बतू वहाँ पे खड़े हैं। अच्छा ये अलग अलग हैं? अलग अलग, दो एक जगह पे हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हो रही अभी। मित्तू नानी कैसे बोल रही? हाय की थी मम्मी नहीं क्या है वो? ये जैसा धूप लगेगा ये फूल खुलते हैं और जैसा शाम होगा तो बंद होते हैं। क्या बोलते हैं कुंगड़े बंगड़े कुंगड़े बंगड़ा। मम्मी यहाँ पे इस फील्ड में एक बार वो रहा था ना क्या बोलते हैं जन्माष्टमी में बहुत। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं भविष्य बद्री धाम में एंड पंचबद्री में से एक बद्री है ना ये। सो गाइस दिस इज द लोकेशन ऑफ भविष्य बद्री एंड फर्स्ट हम लोग अपने हाथ और पैर वॉश कर लेंगे। जिससे पूछेंगे पंडित जी बताओ यहाँ भविष्य बद्री के बारे में। ये यहाँ पर जो भगवान की मूर्ति निकलने उसके विस्तार पूर्वक में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है मैं भी बोलूँ आज से 200 वर्ष पहले गौ माता यहाँ पर सीले पर आके अपने आप दूध छोड़ती थी और फिर यहाँ से दूध छोड़ के घर जाती थी तो घर पे गौ माता दूध नहीं देती थी। अच्छा। फिर अगले दिन भी फिर आना दूध देना फिर शाम को मतलब ऐसा रोटेशन मतलब कई दिन तक चलते रहा। तो एक दिन ग्वाला ने कहा कि भाई मैं आज गाय गौ माता को देख दूँ भाई गौ माता कहाँ जाती है दूध कहाँ देती है ना। तो गौ माता लगी रास्ते तो सीला पर पहुँची तो दूध दिया तो ग्वाला भी पीछे धीरे धीरे पीछे आने लगा तो ग्वाला जरा चंद मिनट के लिए बैठ गया तो ग्वाले को नींद आ गई रास्ते पे। हाँ। तो गौ माता सीला पर दूध छोड़ के चले गई वापस अपने गाय के साथ जहाँ और गायें रहते वहाँ चले गई। हाँ। तो ग्वाला को नींद पड़ी जब गौ माता चले गई तो नींद खुली तो वो गाय देखने था उसने तो गाय न मिल करके उसको भगवान के सिलक पर नजर पड़ी तो दूध की बौछार हो रही थी। तभी जाके मतलब उसने उस दिन शाम को घर में बता दिया तो फिर अगले दिन यहाँ पर पूजा का आयोजन किया गया तो तभी से यहाँ पर 12 महीना नित्य पूजा चलते रहते हैं। इसका एक रहस्य और है जो जोशी मठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति है ना तो उसकी कलाई जो है नारायण वो पतली होती जा रही है। जिस दिन वो कलाई टूट जाएगी नीचे गिर जाएगा अपने सिंहासन से उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण नामक दो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे तो भविष्य बद्री में भगवान बद्र विशाल साक्षात रूप प्रकट हो जाएंगे। अच्छा। ये लीला है यहाँ पर। तो आगे ये भगवान की जो शिला है ये शिला ही पर भगवान अपने आप स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं। बीच में भविष्य बद्री भगवान है बद्रीनाथ विष्णु भगवान और साइड में लक्ष्मी जी नारायण है और इधर से गणेश जी महाराज हैं। नीचे है कुंड जी। पानी तरस करके ऊपर ऊपर से नीचे कुंड में आता है। हाँ। ये 12 महीने पानी आता रहता है ये नहीं कि आजकल बरसात हो रही है कह के ये गर्मी हो चाहे ठंड हो पानी नीचे अपना आप कुंड में अपना आप चलते आते हैं। अच्छा कुंड नीचे है ना नीचे कुंड उसके ऊपर आप देखो तो भगवान के दोनों चरण आ गए। चरण आपको तो दिखा दूं मैं चरण दोनों आ गए हैं। अच्छा जी नीचे कुंड है ये अच्छा जी ये कुंड का जरिए है ले लो ये है कुंड कुंड के ऊपर भगवान का चरण है जी। नीचे के साइड वो चरण नीचे कुंड में था। हाँ। वो ऊपर को आ गई ये वाली। हाँ जी जिसमें मैं चंदन लगा रखा। हाँ। ये ऊपर वाली ये ऊपर से नीचे को आ रही। अच्छा। बाकी भगवान का ये शरीर है आजकल ये आंखें भी बाहर को आने लगी। अच्छा जी माथे के नीचे है जी दिख रहे ऊपर शेष नाग भगवान है जी है ये लक्ष्मी जी नारायण है ये भगवान का हाथ आ रही अच्छा। तिलक रख रहे ये हाथ है एक हाथ इधर से आएगा ये गणेश जी महाराज है। बाकी ऐसे ही लीला है भगवान की स्वयं भू भगवान मतलब प्रकट हो रहे। पहले तो माला मोला कुछ नहीं आते थे भगवान के शरीर अच्छा। माला कपड़े मतलब कुछ नहीं अच्छा धीरे 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 अपना भगवान
प्रकट हुई। पहले माला का कोई असर खाली कोई कोई वो नहीं था सब आता था, लेकिन अब धीरे 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 माला भगवान का सेव किया होगा ना। सेव ठीक इसी प्रकार ये जय भगवान जहाँ तुम मिलो वहाँ हम मिले। मिठी आचार से गिरा देख ले चल पंडे को यहां का ठीक ठीक है पंडित जी धन्यवाद। नमस्ते ये यहां पे नहीं है। सो फ्रेंड्स यहां पे हम मंदिर से जाने लगे हैं। मिठू क्या बोलोगे? हाय बोलो। क्या बोलोगे मिठू? हाय बोलो। हम यहाँ पे पार्किंग में पहुंच चुके हैं और हम लोग टिफिन भी लाए थे, वो हम थोड़ा नीचे पे जाके खाएंगे क्योंकि मंदिर के आसपास गंदा करना वापस हाँ थोड़ा झूठा खाना वगैरह तो वो हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम थोड़ा नीचे पे जाके कहीं पे देखते हैं कोई अच्छी जगह होगी तो वहाँ पे करेंगे हम लंच वगैरह। चलो गाइस और यहाँ पे ना काफी बड़ी पार्किंग है, ये जो मंदिर के नीचे पे रोड है पूरा काफी और दिन तो भरा रहता ना उधर, किसको आई जाओ। चलो सो हम लोग यहाँ पे भी लंच करने के लिए रुके हुए हैं। मम्मी टिफिन टिफिन तो यहाँ चले गए, ये बैठ So, हम लोग सारा डिस्पोजल वगैरह सब घर से लेके आए थे एंड अभी यहाँ पे अरे मैट नहीं लाए ना पापा, मैट नहीं मिली पता था आपको, मैट नहीं मिली। बैठ जाओ बैठो। अरे गाड़ी आई कहाँ से? अरे नहीं आती गाड़ी। पापा लो पत्थर बैठो। अच्छा मैं नहीं बैठ रहा ना, मैं नीचे बढ़िया आ रहा हूँ। ये चादर ले ले। मिट्टी मिट्टी हो गया, मिट्टी खा रही पूरी खा रही है पूरी। और हम लोग घर से लेके आए थे सब पूरी वगैरह। मम्मी कैसा बना है? बहुत अच्छा बन रहा। पापा अच्छा बना। हम लोग रोड पे बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ की रोडों में तो कुछ धूल मिट्टी कुछ नहीं ना, साफ ऐसा लगा धूल रखी अभी। हम लोग का नाश्ता यहाँ पे हो चुका है, हमने यहाँ पे कूड़ा सारा इस थैले में डाल दो मम्मी, ठीक है वो डिस्पोजल भी डाल दो ठीक है तो खराब है तो ये सब ठीक है। मिठी क्यों खास रही हो? क्यों खास रही हो? मिठी कूड़ा डाल दो इसमें, कूड़ा इसमें डाल। मुझे आरती आरती बोल रही है। धोने के लिए भी तो तैयार रहती है हाथ एकदम। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने घर और आज हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए भविष्य बद्री में। तो अभी फिलहाल दिन के 3 बज रहे हैं और अब चलते सीधा अपने घर पे, रोड पे पहुंच चुके हैं। पापा थोड़ा गाड़ी पार्क कर रहे हैं। उठ गए